हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिक्स वेज पकोड़ा। इसे मैं दो तरीके से बनाऊंगी। एक मैं मिक्स वेज बनाऊंगी जिसके अंदर आलू प्याज और कॉर्न और हरी मिर्च होगी, और बाकी मैं दूसरा बनाऊंगी बच्चों के लिए जो सिंपल आलू से बना होगा। ये मैंने प्याज ले ली है 3 बड़ी बड़ी, जिसे मैं मिक्स वेज पकोड़े में डालूंगी। तो उसे मैं रफली चॉप कर लेती हूँ। ये मैंने आलू लिए हैं जिन्हें मैंने छील लिया है और अच्छे से धो लिया है। अब मैं कुछ आलू तो मिक्स वेज पकोड़े में डालूंगी, कुछ आलू हैं जिन्हें मैं गोल गोल कट कर लूंगी जो बच्चों के लिए। ये मैंने गोल गोल कट कर लिए हैं आलूओं को बच्चों के लिए, और ये मिक्स वेज पकोड़े के लिए मैं आलू को रफली चॉप कर रही हूँ। जैसा भी आपको पसंद है, छोटे कट करिए, बड़े कट करिए, लंबे कट करिए, या फिर चौकोर गोल, जैसे भी आपको पसंद है आप उस प्रकार से इसे कट कर लीजिए। तो इसके अंदर मैं हरी मिर्च और कॉर्न डालूंगी। कॉर्न थी मेरे पास, अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए आप। इसके अंदर देखिए हरी मिर्च और मैंने कॉर्न डाली है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूंगी। ये मैंने बेसन लिया है, बेसन मुझे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐड करना है। मतलब मुझे इतना ही बेसन ऐड करना है कि ये सारा अच्छे से इस पे मिक्स वेज पे कोट हो जाए। एक्स्ट्रा बेसन नहीं रखना है, एक्स्ट्रा बेसन होगा तो पकोड़ा हमारा बेसन से लतपत मोटा मोटा बनेगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ मैंने बेसन को चिपकाया है। अब इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जीरा अजवाइन मैंने इसमें ऐड किया है जो बहुत ज़रूरी है पकौड़ों में, और लाल मिर्ची मैंने ऐड की है, और मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। और इतना ही पानी मैंने ऐड किया है कि हमारा बेसन पकौड़ों पे अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए सारे वेजीज पे मेरा बेसन चिपक गया है। आप इसमें हरी धनिया, पालक, और अगर सर्दियों में आप बनाएंगे इसे तो आप इसके अंदर मेथी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने घोल बनाया है जो मुझे बच्चों के लिए पकौड़े बनाने हैं आलू के जो स्लाइसेस, वो बनाने के लिए मुझे घोल चाहिए, जिसके अंदर मैं एक छोटा सा पिंच मीठा सोडा और मैंने कसूरी मेथी, लाल मिर्च और नमक ऐड किया है। अब मैं इसे घोल बना लूँगी। ये देखिए मैं इसका घोल बनाऊंगी, और घोल हमारा स्मूथ होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर मैं एक साथ इसमें ऐड कर दूंगी तो उसमें लम्स बन जाएंगे और घोल बनने में हमारे को थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका स्मूथ बैटर बना लूँगी, और देखिए बहुत अच्छा बैटर इसका बनकर तैयार होगा। और बेसन को जब भी हम पकौड़ा बनाएं, पकौड़ा बनाने के 10 मिनट पहले हमें इसे बेसन को घोल के रख देना चाहिए, जिससे कि हमारे पकौड़े क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई रख दी है, लोहे की कढ़ाई है मेरी, थोड़ी सी लोहे की कढ़ाई काली हो जाती है तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए। वो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, इसे मैं गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ। अब जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, अब पहले मैं बच्चों के लिए पकोड़े बनाऊंगी। तो फटाफट चलते हैं हमारे घोल की तरफ, और एक एक पकोड़े आलू के पीस को मैं इसमें डिप कर करके इस प्रकार से मैं इसमें कढ़ाई में डालती जाऊंगी। और देखिए बेसन बिल्कुल आलू पे अच्छे से लिपट चुका है, और एक एक पकौड़े का पकौड़ा बन चुका है हमारा आलू का। ये देखिए कितने अच्छे पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं हमारे, जो कढ़ाई में बिल्कुल नाच रहे हैं। जैसे ही आप इसे कढ़ाई में डालेंगे तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी और फूल फूल कर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया था। अगर आप मीठा सोडा नहीं डालना चाहते हैं या आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो आपका एक टिप है आपके लिए, आप जब भी इसका घोल बनाएं उसको अच्छे से फेंटिएगा, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छे से फेंटिएगा। उससे भी हमारे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे, अच्छे से फूले फूले बनेंगे, और बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये खाने में। अब वैसे भी मीठे सोडे से कोई फ़र्क नहीं आता है टेस्ट में, बस थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा लगता है कि दिखने में अच्छा सा क्रिस्पी, खाने में और बिल्कुल फूला फूला बनता है, पर फिर भी वैसे भी पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। तो हमारे वो पकोड़े तैयार हैं। अब मैं बनाती हूँ मेरे बड़ों के लिए जो मैंने मिक्स वेज पकोड़े बनाए हैं। ये मैं एक एक हाथ से छोड़ रही हूँ कढ़ाई में, बिल्कुल देखिए कितने अच्छे हमारे पकोड़े लग रहे हैं। बिल्कुल मैंने पहले भी कांदा भजिया बनाई थी, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से बनाई थी, और आज मैं मिक्स वेज पकोड़े बना रही हूँ, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से बना रही हूँ। मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ तो बेसन का कम यूज़ करती हूँ, जिससे हमारे पकोड़े में वेजीज का टेस्ट बिल्कुल निकल कर आता है। तो आप इसी प्रकार से बनाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स
आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इजी रेसिपीज़ देखिए और मुझे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियोस आपको के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो देखिए मैंने तेल को अच्छे से झाड़ के और सारे पकोड़े हमारे निकाल लिए हैं। अब मैं दूसरा स्लॉट हमारा मिक्स वेज पकोड़ों का रेडी कर रही हूँ, डाल रही हूँ। देखिए मैंने एक एक करके इसमें डाल दिया है, आप मुट्ठी में उठाइए और एक एक छोड़ते जाइए। इसमें शेप की कोई वैल्यू नहीं है, शेप कैसा भी हो पकोड़े बहुत टेस्टी बनेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी करारे पकौड़े बनकर तैयार हैं, ये बच्चों के लिए और ये सब बड़ों के लिए। तो चलिए आप इसे ऐसे ही बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप मेरी फैमिली बन सके और मेरा प्यार मेरे को आपका प्यार मिल सके। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए। जितने भी मेरी फैमिली हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।